नंबर वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड, एग, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड? यस मोनिशा, मीन्स 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इनमें से कौन से सेल का ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें से कौन सा सेल डिप्लॉयड होता है? एग, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल, सेकेंडरी न्यूक्लियस. आर यू एबल टू लिसन टू मी? विच विल बी डिप्लॉयड? मैम सेकेंडरी न्यूक्लियस. सेकेंडरी न्यूक्लियस, वेयर इज दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट? What is meant by secondary nucleus? मैम जो फ्लावरिंग प्लांट्स में जब वो होते हैं जो पोलर न्यूक्लिया हैं उनको भी सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं. दो होते हैं ना वो, तो अगर उनका yes, ma'am. तो 2n ही हो जाएगा, n plus n, क्योंकि वो सिंगल सेंट्रल सेल में रहते हैं. किस में रहते हैं? सेंट्रल सेल में. और बाकी सारे एंटीपोडल्स अलग अलग सेल्स हैं, सिनर्जिक्स अलग सेल्स हैं, एग उनके अंदर रहता है. तो ये इनमें से सेकेंडरी न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई कोई कहा जाता है, तो वो 2n. पेरिस्पर्म आउटर पार्ट है एंडोस्पर्म का, डिस्ट्रॉयड सिनर्जिड है, डिस्ट्रॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस है, रिमेन्स ऑफ न्यू सेलस है. पेरिस्पर्म क्या है? मैम आउटर पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म. ओके, आउटर पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, और ये भी कह सकते हैं कुछ पार्ट रिमेनिंग रह जाता है एंडोस्पर्म का, उसे भी क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं. ठीक है, ओके मैम. नाउ थर्ड क्वेश्चन, द पॉइंट वेयर फ्यूनिकल जॉइन विद ओव्यूल, ऐसा जगह जहां पर मैम माइक्रोपाइल. द पॉइंट वेयर फ्यूनिकल जॉइन विद ओव्यूल, फ्यूनिकल जॉइन करता है ओव्यूल से कौन सी पार्ट पे, ये क्वेश्चन है. तो आप जब ये ओव्यूल का डायग्राम याद रखोगे, इस तरह से है, ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर ओव्यूल रहता है. तो ये पार्ट जहाँ से ओव्यूल जुड़ा हुआ है फ्यूनिकल, इस पार्ट को क्या कहेंगे? ये फ्यूनिकल है, स्टॉक है ओव्यूल का. और फ्यूनिकल ओव्यूल से कहाँ पर जुड़ा रहता है? इस पोर्शन पे, क्योंकि इसके बाद पूरा ओव्यूल ओव्यूल है. तो इस पार्ट को क्या कहते हैं? हिलम. भूल गए डायग्राम? इट इज गिवन इन डायग्राम. हिलम नहीं बोलते. माइक्रोपाइल तो ऐसा पोर होता है जो कि दो दो इंटेग्यूमेंट्स के बीच में, सिनर्जिड्स के बीच में होता है. माइक्रोपाइल तो क्या है? एक पोर सा है, स्ट्रक्चर है जो आपका यहाँ पर सीड में, जिससे पोलन ट्यूब अंदर जाने लगती है. जब हिलम टूट जाता है तो उसका रिमेन छोटा सा जो पोर बन जाता है वो, दैट इज देयर माइक्रोपाइल. पर हिलम उसका अटैचमेंट है. ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? जॉइंट बताना है, फ्यूनिकल किस पोर्शन पे जॉइंट होता है ओव्यूल से, ये बताना है. वो तो हिलम ही क्लियर. डू यू रिमेम्बर हिलम पार्ट? यस मैम. ओके, वी कैन सी ऑन गूगल इमेजेस आल्सो, इट इज गिवन.
कैन यू सी दिस डायग्राम, इसमें आपको फ्यूनिकल का जो स्टैंड है वो हिलम पोर्शन से ओव्यूल से जुड़ा हुआ है, इट इज अटैच टू द हिलम पोर्शन, तो हिलम इसका आंसर होगा। ठीक है, माइक्रोपाइल्ट्री ये एरिया है, ये पोर है जिससे पॉलन ट्यूब अंदर आती है, जो इंटेग्यूमेंट्स के बीच में बना हुआ है। ओके, नाउ कमिंग टू, कैन यू सी इट और आई हैव शेयर्ड और नॉट, आई डोंट नो। यस मैम, हो रहा है शो। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट वेयर फ्यूनिकल जॉइंट, ये हो गया द रेसिव, द रीसुपिनेट ओव्यूल इज, रीसुपिनेट मतलब इन्वर्टेड, बिकॉज सुपिनेट मतलब क्या होता है, सुपाइन पोजिशन होती है एक, सुपाइन और रीसुपिनेट, दीज आर द पोजिशन, मीन्स इनवर्ट साइड, वेदर इट इज डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स, दैट मीन्स सुपाइन और रीसुपाइन, ये कुछ पोजिशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूनिकल। तो रीसुपिनेट को भी हम लोग देख सकते हैं कि इट इज अ पोजिशन ऑफ ओव्यूल, विच काइंड ऑफ ओव्यूल, वेदर इट इज एनोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, विच काइंड ऑफ रीसुपिनेट, मीनिंग रीसुपिनेट इज अ पोजिशन ऑफ अ लीफ फ्लावर फ्रूटिंग बॉडी अपसाइड डाउन, दैट मीन्स रिवर्स, रीसुपिनेट मीन्स रिवर्स अपसाइड डाउन, बट रीसुपिनेट मीन्स अपसाइड डाउन ओव्यूल, वॉट डज इट कॉल्स, वो भी हमें पता होना चाहिए, विच काइंड ऑफ ओव्यूल इज रीसुपिनेट ओव्यूल मीनिंग। तो रीसुपिनेट मीन्स अपसाइड डाउन ओव्यूल, ठीक है, एंड विच काइंड ऑफ ओव्यूल इज रीसुपिनेट, एनाट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल इज रीसुपिनेट, ओके, एनाट्रोपस जो आपका एनसीईआरटी में डायग्राम है वो एनाट्रोपस ओव्यूल का ही है, उसी का क्वेश्चन है ये, जो एनसीईआरटी में दिखाया है वो भी इन्वर्टेड वाला ओव्यूल ही दिखाया है, मैंने अभी आपको जो डायग्राम दिखाया था वो भी एनाट्रोपस ओव्यूल का ही था। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कम्प्लीटली बेंट एंड हिलम क्लोज टू माइक्रोपाइल, बॉडी ओव्यूल की कम्प्लीटली बेंड होती है और हिलम माइक्रोपाइल के बिल्कुल पास आ जाता है, कैन यू सी, दिस इज ऑल्सो टिपिकल ओव्यूल, दिस इज ऑल्सो रीसुपिनेट, ये दोनों रीसुपिनेट है। एंड डायग्राम ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओव्यूल्स ऑल्सो वी कैन सी, ताकि हम थोड़ा सा कंपेयर कर सकें, डिफरेंट काइंड्स के ओव्यूल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशंस, दीज आर देयर, हेमी एनाट्रोपस, हाफ रिवर्स, कैंपिलोट्रोपस, ससिनोट्रोपस, ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओव्यूल्स, ऑर्थोट्रोपस, ए इज ऑर्थोट्रोपस, बी इज एनाट्रोपस, कैन यू सी ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस इज कंप्लीटली अपवर्ड, पूरा अपवर्ड है, और हिलम और माइक्रोपाइल दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पे है, बट बी जो है एनाट्रोपस उसमें हिलम और माइक्रोपाइल दोनों एक पास आ गए बिल्कुल, दे केम क्लोज टू ईच अदर, अपसाइड डाउन हो गया, हेमी एनाट्रोपस में हाफ पास आया है, इसीलिए हेमी एनाट्रोपस है, मतलब रिवर्स तो हो रहा था बट आधी पोजिशन पे जाके रुका है, कैंपाइलोट्रोपस में what kind of we can say it is going in the position where, which is curving the embryo sac, embryo sac bhi curve ho raha hai mam, aapki voice break ho rahi hai, then chalazal end, chalazal end bilkul hilum ke paas aa raha hai, and ek mein सर्सिनोट्रोपस, एफ में पूरा सर्कल कर दिया है उसने, फ्यूनिकल ने पूरा ओव्यूल को पूरा इनसर्कल कर दिया है, इसीलिए उसे सर्सिनोट्रोपस कहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाउ द फ्यूनिकल इज बाइंडिंग द ओव्यूल एंड विच पोर्शन ऑफ फ्यूनिकल इज
near the micropyle. That is determining which kind of ovule it is. And here the names of family in which these kind of ovules are found are also written. Hemitropus, Ranunculus, Campylotropus, Graminaceae family, Polygonum family, Orthotropus, okay, inverted, this is Anatropus, which is inverted one, which is there in the NCRT, and this one is, fifth one is Campylotropus, which is like horseshoe, embryo sac bhi horseshoe ki tarah ban gaya, U-shape ban gaya isme. Last sixth one is Sarcinotropus, completely encircle kar diya hai. Can you see? So these kind of ovules are there. Now coming to next question. Orthotropous ovule is one in which micropyle and chalaza are. Micropyle aur chalaza ek dusre ke kya hote hain? Orthotropous ovule ek aisa ovule hai jisme माइक्रोपाइल और चैलेजा एंड एक दूसरे की स्ट्रेट लाइन ऑफ फ्यूनिकल में आएंगे, पैरेलल आएंगे, पैरेलल टू फ्यूनिकल आएंगे, ट्राइटेंगल टू फ्यूनिकल आएंगे. बताओ ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में चैलेजा और माइक्रोपाइल की बात कर रहे हैं. टेल मी ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पैरेलल अलोंग द ओव्यूल. यहां पर माइक्रोपाइल एंड है, सिनर्जिड एंड है, यहां पर एक्सेल रहता है. एक दूसरे के क्या है ये? एक दूसरे के तो 180 है, बट फ्यूनिकल के क्या है? ये फ्यूनिकल है, ये स्टॉक फ्यूनिकल है. फ्यूनिकल के क्या है ये? 90 डिग्री होंगे, दोनों 90 डिग्री पे आएंगे फ्यूनिकल के. वाई? बिकॉज फ्यूनिकल की लाइन ये है और इसकी लाइन ये है, सिनर्जिड्स और माइक्रोपाइल की लाइन ये है. तो पैरेलल लाइन के बीच के एंगल क्या है? राइट एंगल्स टू फ्यूनिकल. ये वाला भी राइट एंगल पे आएगा, ये वाला भी राइट एंगल पे आएगा, दोनों अगर बात करें रिस्पेक्टिवली तो. राइट एंगल्स टू फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल भी और चैलेजा भी. और कंफर्म कर सकते हैं राइट एंगल में है या पैरेलल में है? एक बार हम इसको थोड़ा सा और सर्च कर लेते हैं. पैरेलल और राइट एंगल, इसके दो ऑप्शंस बन रहे हैं. ठीक है, तो लेट अस सी. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इन विच माइक्रोपाइल एंड चैलेजा आर. ऑर्थोट्रोपस दिया है, मुझे लगा एनाट्रोपस की बात हो रही है. ऑर्थोट्रोपस है तो फिर तो फॉरवर्ड है, एनाट्रोपस तो इन्वर्टेड होता है, बट ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल तो क्या है? अपवर्ड है. तो अपवर्ड में क्या आना चाहिए? माइक्रोपाइल और चैलेजा. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल माइक्रोपाइल एंड चैलेजा are at what degree to funicle? मैंने notice नहीं किया कि वो orthotropous है. When the funicle chalaza and the micropyle come lie vertically line, one line, एक ही line में आएंगे, the ovule shown to be orthotropous. Therefore, correct answer is straight line with funicle. क्या होने चाहिए? Straight line with funicle होने चाहिए. तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, ऑर्थोट्रोपस है तो स्ट्रेट लाइन में ही आएंगे, क्योंकि मतलब हमने ऑर्थोट्रोपस का पढ़ा है ना, ये फ्यूनिकल है इसका, और ऐसे करके ऐसे ही होता है ओव्यूल. अभी देखा था ना हमने, अपवर्ड ही होता है ओव्यूल, इसमें ऐसे बना हुआ ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में अपराइट है, बिल्कुल स्ट्रेट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इन लाइन विद फ्यूनिकल हो जाएगा, इन स्ट्रेट लाइन विद फ्यूनिकल. एनाट्रोपस में होगा,
एनाट्रोपस का भी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। एनाट्रोपस का एंगल क्या होगा? एनाट्रोपस ओव्यूल द माइक्रोपाइल एंड चैलेजा आर एट व्हाट एंगल टू क्यूनिकल? एनाट्रोपस व्हील का क्या होगा? साइड बाय साइड टू फ्यूनिकल होगा, इन्वर्टेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड बेंडिंग स्टॉक अटैचिंग टू कार्पल वॉल इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल ठीक है। सो दीज आर द कंडीशन यू शुड नो विच काइंड ऑफ what is the condition and where the which angle is there. In anatropous ovule the micropyle is side by side with funicle. Micropyle बिल्कुल पास होती है funicle के, यही तो हमने अभी भी पढ़ा था जब हमने सबसे पहले anatropous ovule का diagram देखा था कि it is lying nearly to the funicle. तो अगर ये question orthotropous की जगह anatropous करके आता तो साइड बाय साइड उसका ऑप्शन होता, हालांकि बॉल ऑप्शन यहाँ नहीं है बिकॉज ये क्वेश्चन ऑर्थोट्रोपस का था। नाउ क्वेश्चन 6, नॉर्मल पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज, विच काइंड ऑफ एम्ब्रियो सैक पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज? तो इसमें मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लियट, टेट्रास्पोरिक 6 न्यूक्लियट, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लियट, बायस्पोरिक 8 न्यूक्लियट। मोनोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, बायस्पोरिक ये क्या होते हैं? दीज आर द ओव्यूल कितने न्यूक्लिएट का बना है? मतलब सबसे स्टार्टिंग में जब मोनोस्पोरिक मतलब होता है, बेटा भूल गए, सबसे स्टार्टिंग में जब मेगास्पोर मदर सेल बनता है तो उसमें 4 सेल्स बनते हैं, मियोसिस के बाद 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक, ठीक है, एक सेल मदर सेल से जो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल होता है उसी में फिर माइटोसिस होते होते 8 सेल्स बनते हैं। कैन यू रिमेम्बर, डू यू रिमेम्बर दैट? तो इस तरह की डेवलपमेंट क्या होती है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है। डू यू रिमेम्बर दैट कि जब मेगास्पोर मदर सेल बना था तो उसमें से 4 में से 3 डिजेनरेट होके एक बचा था एम्ब्रियो सैक में और उसकी 3 बार माइटोसिस होती है। 3 बार माइटोसिस होने के बाद क्या होता है बेटा? ये 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियस में से 3 एंटीपोडल्स बन जाते हैं, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल। तो इस तरह की डेवलपमेंट ओव्यूल की मोनोस्पोरिक होती है। क्लियर? इज इट क्लियर? देखो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर एंड सच ऑल द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक जेनेटिकली सिमिलर। एक ही मेगास्पोर मदर से बने हैं माइटोसिस हो के। आपको शायद एनसीईआरटी के डायग्राम से याद आ जाए। आपको याद आया वो वाला पार्ट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं? डू रिमेम्बर दैट दिस जो हमने ये वाला डायग्राम पढ़ा था जिसमें फंक्शनल मेगास्पोर में से 4 जब बनते हैं उनमें से 3 डिजेनरेट होके एक बच जाता है, फिर वो 3 बार माइटोसिस करता है, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, माइटोसिस 3, 8 न्यूक्लियस होते हैं, वो अपने आप को अरेंज करते हैं और एम्ब्रियो सैक बनता है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉलीगोनम टाइप के एम्ब्रियो सैक में मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट होता है, टेट्रास्पोरिक 6 न्यूक्लिएट होता है, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट होता है, बायस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट होता है, कैसा होता है पॉलीगोनम के, ये पूछ रहा है। तो नॉर्मली मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट ही होता है पॉलीगोनम, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक जो होता है, ठीक है। फिर भी एक और बात देख लेते हैं, नॉर्मल और पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट, ठीक है। एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम चैलेजा मेगास्पोर, इट्स न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू थ्राइस टू फॉर्म 8 न्यूक्लिया। डू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ इमेज, सो इट इज मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट मेड फ्रॉम 1 मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, इज इट क्लियर अनिशा? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। Endothecium is which layer? Endothecium is layer of anther wall. ठीक है, anther wall को जब हम कट करते थे उसमें से चार लेयर बनती थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, एपिटम। एंडोथीसियम इज द लेयर ऑफ एंथर वॉल। एंथर वॉल है तो इसमें से एंडोथीसियम का फंक्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन ये नहीं होगा, एम्ब्रियो सैक तो क्या होगा, इट टेक प्लेस इन डिसेंस ऑफ एंथर। क्लियर? कर्वेचर ऑफ ओव्यूल इज मोर एंड एम्ब्रियो सैक बिकम हॉर्सशू, विच काइंड ऑफ ओव्यूल? तो हमें अभी भी पढ़ा है डायग्राम से, हॉर्सशू एम्ब्रियो सैक बन जाता है, कर्वेचर ओव्यूल का बहुत ज्यादा होता है, इसको कौन सी तरह का ओव्यूल बोलते हैं? क्या बताया था? कैम्पाइलोट्रोपस बताया था हमने, इस काइंड का कुछ ओव्यूल बन गया था हॉर्सशू जैसा। मनीषा आर यू देयर, आर यू लिसनिंग? नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, यस आर यू एबल टू लिसन टू मी? यस आर यू देयर मनीषा? मैम अभी आई है आपकी वॉइस, बहुत देर से नहीं आ रही थी। अच्छा तो सिक्स्थ सेवेंथ क्वेश्चन क्लियर हुआ, एंडोथीलियम बोलो, एंडोथीसियम बोलो सेवेंथ क्वेश्चन में, तो इट विल टेक पार्ट इन डिसेंस ऑफ एंथर, क्योंकि वो एंथर की वॉल है। व्हाट विल इट डू इन एम्ब्रियो सैक, व्हाट विल इट डू इन फर्टिलाइजेशन, कैन ओनली टेक पार्ट इन एंथर डिसेंस। एट्थ क्वेश्चन क्या होगा, कर्वेचर ऑफ ओव्यूल, ये भी हमने पढ़ा है डायग्राम से, ओव्यूल के डायग्राम देखे थे जब हमने, देखा था कि एक ओव्यूल है,
व्हील का शेप ऐसा होता है कि वो इतना सर्कल हो जाता है कि इट कैन कम्प्लीटली मेक द एम्ब्रियो सैक हॉर्सशू शेप. और उस ओव्यूल को क्या बताया था मैंने, इट इज कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल. तो उसका आंसर क्या है, कैम्पाइलोट्रोपस. ओके मैम, कैन यू सी कैम्पाइलोट्रोपस हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो, दिस वन. देर आर फोर ओव्यूल शोन. वन इज एनाट्रोपस, क्यूनिकल माइक्रोपाइल पास में आ जाएंगी अपसाइड डाउन. वन इज ऑर्थोट्रोपस, अपराइट अपराइट, दैट मीन इन स्ट्रेट लाइन. एंड देन कैम्पाइलोट्रोपस अ हॉर्सशू शेप. अ हॉर्सशू शेप इज अ यू शेप. हॉर्सेस के खुर में एक मेटल का ये पहनाते हैं, खुरों में हॉर्सशू बोलते हैं उसको. Yes, ma'am. तो वो हो गया. एम्फीट्रोपस मिडवे हाफ होता है, जो मिडवे में होता है उसे एम्फीट्रोपस बोलते हैं. सो इसी को हमारा क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि कौन सा ओव्यूल है जिस जो पूरा एम्ब्रियो सैक को भी कर्व कर लेता है. कर्वेचर इतना ज्यादा होता है, एट्थ क्वेश्चन, कि एम्ब्रियो सैक हॉर्सशू बन जाता है. तो सेकंड ऑप्शन हो जाए, ऑल्दो एनसीईआरटी में नहीं है बट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं तो हमें पता होने चाहिए. नाइन्थ, द इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द आउटसाइड ऑफ एंडोस्पर्म. पोलन ग्रेन का एंडोस्पर्म के आउटसाइड पे जो इफेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, निमैक्विनम, मेटाजीनिया, जीनिया. ये तो क्वेश्चन ही मेरे को क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूनिक क्वेश्चन लग रहा है और मैंने पहली बार देखा है ये क्या रेफर कर रहा है. आई ऑल्सो डोंट नो, आई हैव टू सर्च दिस. द इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन आउटसाइड ऑफ एंडोस्पर्म. Zinnia refers to the effect of the direct or indirect effect of pollen on endosperm is called zinnia, and that on seed coat or pericarp is called metazinnia. Can you see it? And it's a question of JIPMER exam. JIPMER is also an exam. Okay, for NEET. So zinnia refers to the effect of pollen on endosperm, and when effect of pollen on seed coat or pericarp is called metazinnia. Okay, clear? Yes, ma'am. हाँ, 10th क्वेश्चन पे आ गए हम. इफ द मेल प्लांट इज टेट्राप्लॉइड एंड फीमेल प्लांट इज डिप्लॉइड, व्हाट विल बी द प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन आस्किंग व्हाट विल बी द आंसर. मेल प्लांट टेट्राप्लॉइड है, मतलब 4n है, फोर क्रोमोजोम, फोर सेट्स ऑफ क्रोमोजोम उसके अंदर. टेट्राप्लॉइड मतलब प्लॉइडी, मतलब एन नंबर, उसके आगे टेट्रावर्ड लग गया यानी फोर फोर एन. फीमेल प्लांट को डिप्लॉइड बोला 2n. अब बताना है कि इसका फर्टिलाइजेशन के बाद इसका एंडोस्पर्म की क्या प्लॉइडी होगी, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन. टेल मी, आपको पता है कि मेल प्लांट टेट्राप्लॉइड है तो इसका गैमेट जो बनेगा वो कितना होगा, डिप्लॉइड होगा.
जब इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4n है तो उससे आधे आते हैं ना गैमेट में, फीमेल प्लांट डिप्लॉइड है तो उसके कितने आएंगे n, उसके भी हाफ आएंगे एग में, और इन दोनों को जब फर्टिलाइजेशन होगी तो आंसर क्या आएगा, ट्रिप्लॉइड 3n। फर्टिलाइजेशन के बाद इनका क्या रिजल्ट रहेगा, 3n, तो 3n विल बी द आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें मियोसिस का है, मियोसिस होगी, क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं, उसके बाद फ्यूजन होती है तो क्रोमोसोम नंबर दोबारा से इन दोनों के फ्यूजन से बनते हैं। नाउ प्लासेंटल और फ्यूनिक्यूलर आउटग्रोथ प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड दैट डायरेक्ट्स द पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। प्लासेंटर और फ्यूनिक्यूल का ग्रोथ आउटग्रोथ है जो कि माइक्रोपाइल एंड पे होता है और जो पासिंग करता है पॉलन ट्यूब की ओव्यूल में, तो क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं, कैरेंक्यूल कहते हैं, ऑब्टुरेटर कहते हैं, राफे कहते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड, राफे, राफे बोलते हैं बिकॉज राफे इज आल्सो मार्क्ड इन योर एनसीईआरटी आल्सो। ठीक है, ओव्यूल की उसकी चलेगी स्टॉक होती है ये, फ्यूनिकल की, फ्यूनिकल की भी एक पोर्शन होती है जो फ्यूनिक जो माइक्रोपाइल के पास होती है राफे। We can see the image once again so that you can connect that. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि इन लोगों ने राफे भी दिया हो, बिकॉज दैट इज मे बी फाउंड ओनली इन फ्यू इमेजेस। कैन यू सी, इट इज देयर इन दिस इमेज राफे। यस, सो दिस इज द रीजन and we have to search now obturator also, because obturator, what is obturator, we should know that, that's also a part of ovule. logo dp se kuch farak nahi padta, logo apne apne dp chalana hai na, नियर बाय पार्ट ऑब्टुरेटर ओव्यूल, ऑब्टुरेटर ओव्यूल एंड ऑब्टुरेटर इज एन आउटग्रोथ ऑफ प्लासेंटा, मीन्स The raphe was not the correct answer, obturator was the correct answer. Is it clear? Obturator is an outgrowth. Raphe is the is somewhat in the stem of raphe is somewhat in the stem of funicle, but obturator is nearby the micropyle. It is an outgrowth. Can you see? Have you got the answer now? Ovule is the obturator is an outgrowth of placenta or funicle or integument or style near to the micropyle. Okay, ma'am. How many megaspore? How many megaspore mother cells are required for formation of an egg? कितने मेगास्पोर मदर सेल्स रिक्वायर होते हैं एग बनाने के लिए? मैम वन, वन, ओके, बिकॉज तीन डिजनरेट हो जाते हैं, एक से ही सारे बनते हैं। अ रूट सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट रूट सेल ऑफ
एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैज 2n इक्वल टू 24 क्रोमोसोम, व्हाट विल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यू सेलस सेल? ये क्वेश्चन है. रूट सेल में उस प्लांट के 24 क्रोमोसोम होते हैं 2n में, तो कितने क्रोमोसोम उसके न्यू सेलस सेल में होंगे? टेल मी. रूट सेल भी एक सोमैटिक सेल है बेटा. रूट सेल इज ऑल्सो अ सोमैटिक सेल, दैट मीन्स बॉडी सेल, नॉट अ गैमेट, अ गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल. एंड न्यू सेलस सेल भी वेजिटेटिव सेल होता है बेटा. तो सेम नंबर होंगे. रूट सेल में अगर 2n में 24 हैं, तो फिर न्यू सेलस में भी क्या होंगे? 24. इज इट क्लियर? ओके मैम. Now next, ovule turns at more than 360 degree angle. Excessive growth की वजह से ovule अगर 360 से भी बहुत ज़्यादा घूम गया है, तो उसको क्या कहेंगे? Campylo and anatropous, orthotropous और sarcinotropous. ये भी हमने discuss किया था. पूरा encircle कर ले अगर funicle, पूरा ovule घूम जाए, पूरा round हो जाए, पूरा covered हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? ओव्यूल 360 से ज्यादा होता है. तो मैंने आपको चार तरह के ओव्यूल के बारे में अभी बता दिया है. एनाट्रोपस अपसाइड डाउन होता है, इन्वर्टेड. ऑर्थोट्रोपस अपराइट होता है. सरसिनो कैम्पाइलोट्रोपस हॉर्सू टाइप होता है. सरसिनोट्रोपस इनसर्कलिंग होता है, ठीक है, जो पूरा का पूरा सर्कल बनाता है 360 से भी ज्यादा. 360 सर्कल ही होता है. सर्कल की डिग्री क्या है? 360 डिग्री बोलते हैं सर्कल को. Yes, तो सर्कल के फॉर्म में आ रहा है तो वो सर्सिनोट्रोपस. यू रिमेम्बर द इमेज? यस मैम. So this is a sarcinotropous ovule. Complete ovule has been encircled by micropyle by, and the micropyle is covered by the funicle, outgrown funicle. Completely covered. So answer kya hoga 14th ka? Sarcinotropous. Okay? Now 15th question. Body of ovule is straight but at right angle to funicle. Body of ovule is straight but at right angle to each other. What will be the answer? Ma'am, amphitrophus. Okay, but right angle to funicle is? Amphitrophus. देखो, in line with the funicle क्या था? In line with the side by side to the funicle क्या था? Side by side to the funicle was in line था. Orthotropus जो upright होता है वो in line था. Funicle की straight line में जा रहा होता है. अब anatropus क्या था? Side by side था. अब amphitropus क्या होगा बेटा? मिडवे था. मैंने आपको बताया था एम्फीट्रोपस इज मिडवे. आंसर क्या होना चाहिए? एम्फीट्रोपस होना चाहिए. एक और बार हम सर्च भी कर लेते हैं. बॉडी ऑफ ओव्यूल स्ट्रेट बट एट राइट एंगल. कौन सा वाला ओव्यूल है जो राइट एंगल है टू फ्यूनिकल? विच ओव्यूल इज राइट एंगल टू फ्यूनिकल?
ठीक है मैंने इसके अंदर कुछ कर दिया चेक विच टाइप ऑफ ओव्यूल इट इज हेमीट्रोपस ओव्यूल इज राइट एंगल हेमीट्रोपस एम्फीट्रोपस एंड हेमीट्रोपस में कंफ्यूजन है उन दोनों को देख लेते हैं मुझे लगा था एम्फीट्रोपस है मिडवे वाला पर शायद वो हेमीट्रोपस है Six different type of ovule. Once again, we are looking at ovule images because this kind of question is little hard, but it can come in your exams. Orthotropous, you have clearly understood. It is upright. Anatropous, you have understood because it is in NCERT also. You have drawn. Hemitropous is midway. Okay. Amphi is little. It's looking little like. हॉर्सू का ही थोड़ा और एक्सटेंशन हो रहा है ओके सो मैं कंफ्यूज हो गई थी एम्फी में और हेमी में तो मेरा कहने का मतलब मिडवे ही था मेरा कहने का मतलब मिडवे था तो मिडवे हेमीट्रोपस होता है विच वन इज मिडवे हेमीट्रोपस विच इज 90 डिग्री शो नहीं हो रही है इमेज शो नहीं हो रही है ओके नो मैम ओके शो हो रही होगी कैन यू सी Orthotropous, you have shown, yes, understood in straight line with the funicle. Amphitropous, you have seen, it is side by side, means micropyle is side by side to the funicle. Okay, and midway, 90 degree, this is funicle and this is micropyle. It is what? At 90 degree, can you see? Midway, 90 degree. Yes, and this yes. is horseshoe shape, U shape. And this one is empty. E1 is empty. C is hemi. C is hemitropous. Okay? So, question hamara 90 degree pooch raha tha. So, C will be the correct option. And this you already understood. Sarcinotropous. 360 degree. More than 360 degree. Clear? Understood? Yes, ma'am. Okay. So we were on 11th question, now 12th question, the special features of endothecium of anther of capsula. Okay, special feature endothecium, anther of capsula naam ki flower ke, anther ke, endothecium ka special feature kya hai? Radially elongated cells, thickening of cellulose, hygroscopic, all of the above. मैम हो गई अब यस सो 12th क्वेश्चन एंडोथीसियम ऑफ कैप्सुला स्पेशली दे आर आस्किंग व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ एंडोथीसियम ऑफ कैप्सुला Whether it is hygroscopic, what? Capsula bursa pastoris, known as shepherd purse because of its triangular flat fruits. It's a flowering plant of mustard family. Okay. What is the special feature of Capsula endothecium? Hygroscopic.
Anthothecium anther wall. It's an anther wall, but what is the special feature? Can you see the video? Yes, ma'am. एपिडर्मिस के बाद सेकंड लेयर एंडोथीसियम है. चल गया बेटा, वी हैव गॉट द आंसर कि ऑल ऑफ द अबव, कि थिकिंग भी होगी अल्फा सेलोस की, रेडियली इलॉन्गेटेड भी होंगे एंड हाइग्रोस्कोपिक भी होंगे, मतलब वाटर भी क्या करेंगे, ये अब्सॉर्ब करेंगे. ओके, क्लियर? इज इट क्लियर? तो एंडोथीसियम आपके क्लेप्सिला के, they will have all मैम the... आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है और मैम आज नेटवर्क भी सही नहीं है. मैं ये कह रही थी कि एंडोथीसियम जो कैप्सिला का इन्होंने अभी वीडियो देखा हमने, उसमें ऑल विल बी द ऑप्शंस, ऑल ऑफ द अबव विल बी द ऑप्शन. ओके, मींस द वॉल विल बी हाइग्रोस्कोपिक, द वॉल विल बी थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज, इट विल बी रेडियली इलॉन्गेटेड, एवरीथिंग क्लियर? ओके मैम. तो 12th क्वेश्चन का ऑल ऑफ द अबव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज मोस्टली फाउंड इन एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म में कौन सी तरह का एम्ब्रियो सैक है? मैम कल करते हैं, बाकी का आज बहुत ही, हाँ मे बी आवाज भी कट हो रही है. ओके, एंजियोस्पर्म में, पर इस क्वेश्चन को बता सकते हो 13th को कि कौन सा एम्ब्रियो सैक सबसे ज्यादा कॉमन है एंजियोस्पर्म में? बायस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, मोनोस्पोरिक, पॉलीगोनम टाइप या मोनोस्पोरिक ऑनगार्ड टाइप? तो ये तो हमने अभी डिस्कस भी किया था कि मोस्ट कॉमन एंजियोस्पर्म इज मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप, ठीक है, जो 8 न्यूक्लियस वाला है, सिंगल मोनोस्पोर से बनने वाला एम्ब्रियो सैक. ओके, एंड यू ऑल्सो कैन ट्राई टू फाइंड द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, दे आर 31 क्वेश्चंस, ट्राई टू फाइंड आंसर्स. ओके, वन पीरियड आई एम गिविंग टू यू, 20 मिनट्स यू हैव. You can find the answers to few of these questions. Okay, Monisha? मैम क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रही हूँ कि अभी 20 मिनट्स में आपको दे रही हूँ, क्लास ओवर हो जाएगी. You can find answers to the remaining questions.